क्या बोलना चाहिए, संस्कृति का विषय रहता है, संस्कार का विषय रहता है, नृत्य का विषय है, पर एक अच्छा विषय लेके है। पूरी जिंदगी हेमा जी ने ये कला की सेवा करने के लिए निकाली और मैं तो बड़ा फैन रहा हूँ आपका पहले से ही, और मुझे बड़े नृत्य भी पिक्चर भी ये देखने में अच्छे लगते हैं, और इसलिए आपने जो संकल्प किया है आगे जाने का, आगे संस्कृति तक पहुँचाने का, बच्चों के लिए देने का, और इसलिए कुछ हमारा भी योगदान रहे ऐसी अपेक्षा भी आपने व्यक्त की है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक एप्लीकेशन आपने 97-98 में रखा था, उस समय वो मैं उस समय फाइनेंस मिनिस्टर था, और जमीन देने के लिए ऐसा विषय उस समय से चल रहा था कि यहाँ बॉम्बे शहर में एक हम लोगों को नाट्य कला मंदिर खोलना है, और उस समय से हेमा जी के विचार रहे हैं कि बच्चों के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए ये सिखाना है, पढ़ाना है, उनको ये ज्ञान देना है। आज कई साल हो गए, बीच में सरकारें बदल गई, 15 साल शायद 17-18 साल हो गए, और ये 17-18 साल के अंदर वो जो आपका मन का विषय था, जमीन के विषय का, वो ऐसे पेंडिंग रहा। पर एक दिन हेमा जी मुझसे मिलने आई, मैंने उनसे फ़ोन पर बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मिलने आना है। मैंने बोला कि यार मैं खुद मिलने आता हूँ, आप क्यों आते हो? नहीं नहीं बोले मुझे तो आना ही, आपसे ही मिलना है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हम लोगों को एक ज़मीन की ज़रूरत है, और ये ज़मीन के लिए एप्लीकेशन हमने किया है, कई कागज़ घुमाए, इधर से गए उधर से गए, फाइलें आई, मिनिस्टर बदल गए, सरकारें बदल गई, पर हमारी ज़मीन हम लोगों को अभी तक नहीं मिली। एक अच्छा विषय है ये, आपके लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं आप कर रही है, ये समाज के लिए कर रही है। ये सारा जो विषय समाज के लिए नहीं है, संस्कृति के लिए आपको ये करना है, इसमें कोई स्वार्थ का विषय नहीं है। जो आपके माताजी के नाम से आप करना चाहती हो, या माताजी ने आपको जो पढ़ाया है, जो ज्ञान आपको दिया है, दूसरी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी तक देने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ कि आगे चल के कई पीढ़ियों तक ये ज्ञान जाए, और इसलिए आपने जो विचार रखा है कि ऐसी एक विषय, ऐसी एक व्यवस्था बम्बई शहर में, मुंबई शहर में हम निर्माण करें कि जो व्यवस्था के अनुसंग में आगे चल के पीढ़ी को ये ज्ञान मिले। और इसलिए जमीन का जो विषय है, करीब 17-18 साल से चल रहा था, और उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये ज़मीन मिल जाती है तो ये ज़मीन पर हम लोग ये नाट्य मंदिर खुला करेंगे, खुली जगह भी वहाँ होगी, गार्डन भी होगा, व्यवस्था भी होगी, पढ़ने के लिए एक वातावरण भी, पढ़ाने के लिए एक वातावरण भी अच्छा बनेगा। तो मैंने उनको बताया है, वादा किया है कि ये ज़मीन हम लोग आपको देंगे, खाली एक कंडीशन रखी है, एक शर्त तो आपके पास रखी है, छोटे से शर्त मैंने उनको बोला है कि हम लोग आपको मेरे गाँव आना पड़ेगा जलगांव एक दिन के लिए। चलो तो उनके प्यार से मैंने मांगा है, और उन्होंने वही समय बोला है कि जलगांव आएंगे हम लोग, पहले आ चुके हूँ, बोला छोटा सा शहर है, लोगों की अपेक्षा है, मैं आपका फैन हूँ, हजारों आज भी आपके फैन है, और मैं ये बोलता आपने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ज़मीन है करीबन 6.5-7 एकड़ की ज़मीन है, उसमें से कुछ ज़मीन कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, कुछ ज़मीन गार्डन के लिए, कुछ खुली ज़मीन रहेगी इसमें, और ये ज़मीन में जो आपके विचार में, आपके दिमाग में जैसा है वैसा वो बनेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये 6 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन करने के लिए, ये वादा पक्का करने आई थी ईशा। इसके पहले भी होगा पर बताना अच्छा है, क्योंकि वो क्या है कि एक तो नेताओं पर का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है, भाषण में कुछ कहते हैं करते कुछ है, यहाँ तो आज टाइम निकाल लेते हैं कि 6 महीने होता है, पर जरूर ये होगा, ये तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द होने वाला है, पर 6 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन कीजिए, और ये जो बैठे हैं इनको भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, इतना ही मैं विनती करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आए इसका मुझे बड़ा आनंद है, एक अच्छा विषय आपने लिया है, मैं आपको शुभेच्छा भी देता हूँ, आगे चल के ये सारा विषय सबको लेकर साथ में जाकर ये बच्चों को आगे चल के अधिकाधिक ज्ञान दे, अधिकाधिक इसमें ये कला में उनकी रुचि बढ़े, ऐसा विषय आपके हाथ से हो, आप उसके मास्टर हैं, आपने कई सालों तक इसकी सेवा की है, और ये सेवा आपने अपने गुरुजनों से भी सीखी है, वो गुरुजनों से भी आज भी आपसे अपने गुरुजनों से लेकर ये अगली पीढ़ी तक आप ले जाने की कोशिश करें, इतनी मैं आपसे विनती करता हूँ, और सभी का आभार मानते हुए दो शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। शी हैज मेस्मराइज्ड अस विद हर परफॉर्मेंसेस ऑन स्क्रीन एंड ऑन स्टेज, एंड शी इज राइट हियर विद अस,
So let's have Esha Deol Takhtani to share a few words. Thank you. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. It's an honor to be here because I give complete credit to my mother and my aunt, Prabha, who have taken forward this for the past 10 years. This is Jaya Smriti. It's a tribute under the name of my grandmother, who we all have loved very much. And she's someone who's always encouraged talent, whether it was Sri Devi Ji or Padmini Kolhapuri. My grandmother was the one who took them forward in the industry and always encouraged my mother to continue dancing. That's why my sister and me were taken forward in that field of dance. And I have so many respectable gurus of mine here today. Whether it's Bhushan Ji, whether it's Deepak Ji, whether it's my one and only guru who could handle Anna and me, Guru Ravindra Attibhuti Ji or Sharda Ji. Sorry if I'm missing out on anyone's name. But we also, my mother has always believed in tradition, para. That's why we perform parampara. And Anna and me were made to be trained in dance, whether it was Bharatanatyam, but then eventually we got into Odissi. With all the respective gurus who are here today, they've all trained us, and it's been wonderful. And I have one message for all the girls out here, that dance is something that is going to keep you going in life. I mean, look at my mom. She's still touch wood fit and fine. It's only because of dance. It keeps you mentally positive. Yeah. So, so yeah, I mean, what else do I say? Now I don't know what else to say. But enjoy the show. And I wish all the dancers backstage all the very best. They're all youngsters promoting their talent here. They're going to be performing for the first time on stage. So let's encourage them and have a wonderful show. God bless. Take care. Happy Diwali. Thank you so much, Esha.